नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन नहीं हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि अभी आप जिस भी सिम कार्ड से आप इंटरनेट चला रहे हैं उसमें प्रॉपर यहाँ पर नेटवर्क है कि नहीं। अगर उसमें प्रॉपर नेटवर्क नहीं है तो सिंपल आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के डिस्प्ले को ऊपर से नीचे की ओर डाउन करना है, और डाउन करने के बाद यहाँ से एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर से आपको इसको ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करके देखना है, खोल के देखना है कि आपका प्ले स्टोर ओपन हो रहा है कि नहीं। कभी कभी होता क्या है कि लोगों का जो मोबाइल का रिचार्ज है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण प्ले स्टोर ओपन नहीं हो पाता है। तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका जो मोबाइल का रिचार्ज अभी है या नहीं। उसके बाद इतना करने के बाद भी अगर आपका प्ले स्टोर ओपन नहीं हो रहा है तो सिंपल आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन मैनेजर या आपको एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐप लिस्ट पर जाना है। जाने के बाद इसमें आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर ढूंढ लेना है। प्ले स्टोर ढूंढने के बाद अब आपको प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक टू डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अनइंस्टॉल अपडेट्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद फिर से आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ से एक बार इसको फोर्स स्टॉप करना है, और फिर से आपको फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको स्टोरेज यूजेज पे जाना है, और यहाँ से आपको एक बार क्लियर डाटा कर देना है, और यहाँ से आपको ओके करना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा यूजेज डिटेल्स का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई या दोनों ऑप्शन आपके फ़ोन में ऑफ है कि नहीं। अगर ऑफ नहीं है तो इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन हो गया है। तो इस तरह से अगर आपके फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन नहीं हो रहा था तो उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।